तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपके लिए दो कंपनी का फ़ोन लेके आए हुए हैं, और इन दोनों कंपनी के फ़ोन में मैं आपको बताऊंगा कि अपने गैलरी के प्राइवेट फ़ोटो को, यानी अपने गैलरी के कोई भी प्राइवेट फ़ोटो को हाइड कैसे करते हैं, छुपाते कैसे हैं। मान लीजिए कि दोस्तों आपके फ़ोन में आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो है, या कोई ऐसे चीज़ का फ़ोटो है जिसे आप छुपाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे फ़ोन में ये जो फ़ोटो है ना, वो मेरे सिवा कोई और व्यक्ति ना देखे, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको सैमसंग के फ़ोन में छुपाना बताऊँगा, और साथ ही साथ दोस्तों रियलमी के फ़ोन में छुपाना बताऊँगा। तो इन दोनों से आप सीख सकते हैं कि किसी और कंपनी के फ़ोन में भी छुपा सकते हैं। जो दोनों तरीका बताऊँगा, दोनों तरीका काम आएगा हर कंपनी के फोन में। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी प्राइवेट फोटो को छुपाना चाहते हैं तो वीडियो को मिस नहीं कीजिए, आखिर तक देखिए। आप चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए ना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो आप वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन मिला है, वीडियो को लाइक कीजिएगा यहाँ से। और चैनल पर नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको नाइस वीडियो, गुड वीडियो, सुपर वीडियो कैसा लगा। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने फ़ोन के गैलरी के फ़ोटो को हाइड कैसे करें, प्राइवेट कैसे करें। तो सिंपल तरीका है दोस्तों, हम दोनों फ़ोन के गैलरी को ओपन करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं अपने इस फ़ोन के गैलरी को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे एक फ़ोटो को यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि इस फ़ोटो को ले लिए। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ना इस कंपनी के फ़ोन के गैलरी को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे ना दोस्तों एक फ़ोटो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि यही फ़ोटो ले लिए। अब दोस्तों इन दोनों फ़ोटो को हमें हाइड करना है, तो यहाँ पर सैमसंग वाले में यहाँ पर टच कीजिएगा फोटो पर, थ्री डॉट आएगा जिस पर टच करना है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा मूव टू सिक्योर फोल्डर, जी हाँ दोस्तों, जिस पर आपको टच करना है। और उसका दोस्तों यहाँ पे ना रियलमी के फोन में इस तरह से फोटो आएगा, तो इस पे टच करना है, और यहाँ पे लिखा रहेगा सेट एज प्राइवेट, तो आपके फोन में भी इस तरह से आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सेट एज प्राइवेट पे टच किया तो ये चला गया। अब दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ फोन में फर्स्ट बार जब करने आइएगा ना, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन बनेगा, तो यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे टच करना है, ठीक है, यहाँ पे एग्री वाले। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों कंटिन्यू कर देना है, तो आपका सिक्योर फोल्डर बन जाएगा इस तरह से, जो कि हम सैमसंग के फ़ोन में आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको करना होगा, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आप कीजिएगा। और दोस्तों जब फोटो प्राइवेट हो जाएगा तो वो फोटो कोई देख नहीं पाएगा आपके गैलरी से, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, फोटो कोई नहीं देख पाएगा। तो अब आपको अगर वो फोटो देखना है तो आप कैसे कीजिए, तो उसके लिए आपको दोनों फ़ोन के सेटिंग में चले जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको दोनों फ़ोन के सेटिंग में चले जाना होगा। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों दोनों फ़ोन के यहाँ पे ना प्राइवेसी आएगा, तो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे टच कीजिए दोनों फ़ोन में, तो यहाँ पे ना प्राइवेसी प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन में यहाँ पे बन जाएगा कि ऐप्स लॉक है, हार्ड लॉक है, प्राइवेसी सेफ है, सिस्टम क्लोन है, तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी सेफ वाले ऑप्शन पे टच कीजिएगा। और जैसे दोस्तों इसमें यहाँ पे ना आप यहाँ पे डालिएगा अपना मोबाइल नंबर से कीजिएगा अगर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉक मांगेगा कि प्राइवेसी में आपको एक लॉक देना होगा, तो प्राइवेसी में जो लॉक दीजिएगा ना वही लॉक से यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे हम जो लॉक दिए हुए थे वो ये लॉक दिए हुए थे, तो जाके खुला है। तो दोस्तों जो हम इमेज छुपाए थे वो ये इमेज छुपाए थे, तो यही इमेज आ गया। अब दोस्तों इसको पब्लिश करना है, तो सेट एज पब्लिश वाले ऑप्शन पर टच कीजिए, तो ये आप गैलरी चुन लीजिए, कौन से गैलरी में ले जाना है, और यहाँ से बिल्कुल आसानी से चला जाएगा ये फोटो। तो दोस्तों यही तरीका था जो दोनों फ़ोन में हम आपको कह के दिखाएं कि किस तरह से अपनी गैलरी के फ़ोटो को हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कानो कानो, और आपके फ़ोन में रहेगा। तो दोस्तों दोनों फ़ोन में हम आपको कह के दिखा दिए हैं दोनों फ़ोन में, तो आपके पास कोई भी कंपनी का फ़ोन तो इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ना कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।